ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ SHO ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਨਾਬ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਕਰਨਾ ਓਏ ਛੇਤੀ ਆਓ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਮੈਨੂੰ ਘੂਰੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਵੀ ਆਜ ਆਪਕੋ ਕੀ ਜੁਰਮ ਕੀ ਹੈ मैडम जी मेरे साहब जी ने कहा कि अंदर तक तफ्तीश कर ते मैं अंदर आके तफ्तीश कर रहा हूं माइंड ना करो तो तुसी काफी अंदर आ गए देखा लॉकअप में थोड़ा सा भी टाइम गुजारना कितना मुश्किल काम है अल्लाह करे अद्धा घंटा होर रहो ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਜ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਚਾਹੀ ਆ ਹਾ ਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇਹ ਬੂਆ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਐਰੇ ਹੁਣ ਸੱਚੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਦਾ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਆਹਾ ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ अच्छा आपको थोड़ा सा एहसास हुआ कि जब आप बेगुनाह लोगों को अंदर लॉकअप में बंद करते तो वो कैसा फील करते असि क्यों किसी मजलूम नु फड़ना जी जेड़ा वारदात करदा ओनु फड़ी दा ये दोनों वारदाती है और तानू की लगन डए ने हो ये तो मुझे कोई नफीस से खान साहिबान लग रहे हैं सोने दे सेरे लगने मैं जदो इना दी चोरी दसनी है ते इस किस्म दा इना ने तुहाडे दिलों उतरना जे साहब जी मैनू 500 दियो मैं तानू कढा सकना इथों तू मैनू 200 दे मैं तैनू मिंट च कढाउना उठो उठो SHO खलोता है तो तुसी बैठे हो नहीं है ताड़ी मेर बानी किथे चले जाते हो तुसी ओ साहब जी माफ कर देना असल च मैं ताड़ी बरजाई नू ना लोड कराउन गया होया सी बस चाबी मेरे कोल सी होर चल अगे तो ना करी चल साहब ने छड़ देता मेहरबानी जनाब अंदर तो मैं डरिया डरिया खलोता सा अच्छे हो जाओ अंदर ला लेना बाहर निकलते साथ ही SHO साहब बिल्कुल बदल गए हैं ना ताला ना ला छड़ दे दौड़ सकते ही नहीं अजरे नहीं हो नहीं दौड़ सकते बाहर ठंडी इतनी मरो भी के बे आए आए ठंड ना कहो थाने पे नाना जी ठंड ना मरे नहीं ओके में गिल्लियां जराबा पा बैठे सी ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੋ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਲੱਗ 'ਚ ਕਚਰਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕਚਰਾ ਕਢਾ ਓਏ ਆਪਣਾ ਐ ਵੇਖ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 50,000 ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ जी मैडम जी सुनाए नहीं मैंने क्या सुनाना आप सुनाए आप बड़े फेमस होते जा रहे हैं अब तो बिहेव करते होंगे ना अब तो गलत गलत फैसले नहीं करते सख्त लग गई हैं जी हर पासे पूरे शहर च धुंद जिहड़ी है उन्हें अपनी छां बढ़ाई है अच्छा। सवेरे सवेरे लोगों नूं टाइमां नाल घरां च पहुंचाईदा जी नाके नूके ला के ते खलोते रहीदा जी लोगों नूं रस्ते दसीदे ने हुण पुलिस की करे जी ओ धुप वाली गल कर लो तुहाडी मेहरबानी साहब जी इहनां दी सज़ा इक्को ही है की सिर्फ इहनां दे अग्गे पखा ला दे ओ तूं मरे अग्गे मैं ला कर ओए असीं ते ठंड तों इन्ने डरे साडे घर नूं अग्ग लगी असीं बुझाउण वालेयां नूं बुलाया सारा टब्बर बह के सेकदे ने ओए सेके दियो पुत्रो अगर साहब जी ए बहुत बुरा सुर लांदे ने वाह 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 मेरे कोल सिपाहिया तेनू रब दिया रखा खुश हो गया तेनू रब दिया रखा ओ मेरे ढोल सिपाहिया जिन्ना मर्जी गाना गा लेन अच्छा जो मर्जी सुना लेन अच्छा। नगद नगद ही SHO साहब हंसी मजाक असाइड इनको किस जुर्म में लेके आया लकड़ा चोरी करते फड़ेगे जी सर ये तो इतना बड़ा जुर्म नहीं है ये इनका जुर्म इतना बड़ा नहीं है इनको जरा जल्दी डिसमिस करें मैडम जी ये दा फैसला ते हुण अदालत ने करना है साडा काम है पर्चा दे के सी अंदर सुट दिता है इन्हां नूं देखिए जुर्म आपने बहुत बड़ा किया दरख काटना ये एक्चुअली एक जुर्म है लकड़ी कौन सी थी जो काटी थी लकड़ी लकड़ी पे भी तो डिपेंड करता है ना कुछ लकड़ियां बहुत नायाब हैं हो सकता संदल हो मुझे संदल कर दो अच्छा इतनी ज्यादा सजा ना दें कोई गाना वाना अच्छा सा सुने और जाने दे हां इंस्पेक्टर साहब गाना थाना है जेल है इथे केड़ा गाना साडे ते मुजरम ही बहुत घट आउंदे जे गाउण वाले आ गए ने सुहाब ना सोहणी लो ओ जेड़े सर्दियां च अग नू बजाउंदे ने ओ फेर भी माड़े लगदे ने जेड़े सर्दियां च अग ये जो आपने लकड़ियां काटियां ना जुर्म है जी। लेकिन ये जो बुरे सुर लगाए ना दोनों ने आपने ये उससे भी बड़ा जुर्म ओए जी भाई ओथे पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ हुण तस्वीरां किधर लग गई इस टाइम गाकी दा टाइम है ते विच बोलना ना अच्छा जो साहब हां जी सुने इन्होंने गाना तो अच्छा नहीं सुनाया इनसे कहो कुछ थोड़ा सा भांड प्रोग्राम कर दें वो चमोटा तो हाय 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 उधर ते देख जरा क्या कहने क्या बात अपना पासपोर्ट बनाना सी ते अपनी बीवी दा شناختی کارڈ لے گیا اونے کہیا کی کہندا تسی اپ ہی کہندے نادرا دا شناختی کارڈ لے گیا نہیں
हल्का जिहा भी रंग पीला नहीं पैन दिया वेखो। नहीं पीला क्यों पड़े बताओ ना। पर आ बंदा किस दिन आवे ना मेरे थाने। अच्छा मैडम जी मैं वेखना है पिट पिट करके जिहड़ी मोटरसाइकिल ते लंघदा किवें लंघदा बारो। इहो जिहे बंदे दी बदलां ते तस्वीर बणदी हवा चलदी पर वटा ही उड गए। तक और भी रोग बैठे हो। इहो जिहे बंदा दरबार ते मशहूर हुंदा लम्मे वाला नाल नहीं जिहड़ा इंज ही करदा। हाय हाय तबीयत साफ होई कि नहीं आली। नहीं नहीं उन्हें छोड़ दें प्लीज मेरी शख्सी जमानत पे छोड़ दें। एक बंदा फड़ो 83,000 टेलीफोन इंजी आएगा कि जिम्मे उन्होंने कुछ आता मेरे कहने ते छड़ दियो। ऊपर से आते फोन ऊपर से आते। हाँ जी उतले पोर्शन चो जी। ओए होए 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 ओ द्रोय खुदा आ दियो। फड़ो फड़ो अगे 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 ओ जुलम जुलम हो लगता है जुलम होए हो ओ राम 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 एनु खड़े के लायो ठंडी है ठंडी है। ओ होया की ये सर जी दसो ते सही ना। सर जी मैं बड़ा गरीब बंदा जी। ए तू ना भी दस सानू पता लग रहे है। आ तेरा जड़ा हेलीकॉप्टर खलोता मरे बा मैं तू ऐ मेनू लगा तेरी वखी चढ़ी है। इदे को हेलीकॉप्टर भी होवे ते सीएनजी ते होवे। ना की अपना बाऊ जी चौधरी हैप्पी लिख लो जी। माशाल्लाह ओ ते तुहाडे मुंह तो लगदा कि अगले 5 साल भी नहीं हैप्पी होगा वो पहले अभी तो तकलीफ में है ना इसलिए ऐसा है। अच्छा तुहानू पता नहीं है तुसी मिठे मिठे तरीके ने बहुत झाड़ा पा रहे हो सर। मैं आपकी कंप्लेन कर दूंगी। किस तरह की वारदात हुई है? की वारदात हुई भी तेरे नाल? एक औरत टकरी जी मैनू ओ आंदी जी मैं तेनू नौकरी लवासा। वेख्या ना जी केस बनदा पिया। देखिए कहंदी मैं तेनू नौकरी लवासा फिर एवें लाजा कोया बैठे हैं। आपके पास तो हर किस्म के लोग आते होंगे ना पढ़े लिखे अनपढ़ मुख्तलिफ जबानों के तो आपको समझ आनी चाहिए ना उसके बाद। जी मैं टीचर SH हूं मैं हूं मैं कितनी जबान समझ नहीं है आ इंग्लिश नहीं साढ़े मगरों लैंग्वेज। आप उसको मुद्दा समझे ना क्या मुद्दा सीधा बयान कर मुद्दा सीधा बयान कर काका बैठा मुंह ध्यान एक इस तरह ना हाथ आया मेरे ऐ मुंह ते ओए होए 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 फिर मैं बेहोश हो गया। बेहोश हो गया ते इहदे च रोण वाली केड़ी गल है जिस दिन मैं उठी जाना जी ते मेरा गुर्दा कोई नहीं आ। ओए होए 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 लो जी मैडम जी ए आया जे गुर्दा चोरी दा केस। ओए एड्रेस लिखा दा डॉक्टर है मैनू नहीं पता जी। अच्छा देखें आप एक बहुत बड़े माफिया पे हाथ डाल सकते हैं। असल में बात यह कि पूरी दुनिया में ये लीगल काम है गुर्दा बेचना खरीदना। सिर्फ ईरान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर गुर्दा बेचना और खरीदना बाकायदा सिस्टम है उनका लीगल है बाकी तो पूरी दुनिया में ये काम इलीगल। मैडम जी तुसी सही कह रहे हो माफिया तक भी होली होली पहुंच ही जावांगे मैं। ओए एड्रेस लिखा डॉक्टर दा। सर जी जीटी रोड ते ओ वड्डा चौक आंदा है। जीटी रोड ते ऐ आ गया वड्डा सारा चौक अखबारों में के बच्चों को वरगला के ले गए बड़ों को वरगला के ले गए उनकी किडनी निकाल लिया तो ये बड़ा सीरियस इशू है। ज्यादातर जो शिकार है ना वो बनते हैं नशे के आदि इसलिए क्योंकि वो नशा करके गिरे पड़े होते हैं वो उठाते हैं उनको ले जाते हैं और वहां पे उनको पूरी जिप लगाते हैं और अगले दिन वो छोड़ जाते हैं और कई बंदों को तो 10-10 दिन बाद पता चलता है हमारा गुर्दा निकल गया। हेलो एवरीबॉडी अगर आपने टीवी के ऊपर हमारा शो मस्तियां मिस कर दिया है तो यू स्टिल हैव अ चांस। आप जाएं हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और दबाएं बेल आइकन का बटन ताकि जो लेटेस्ट एपिसोड्स हैं वो भी आपको मिलते रहें। सो गो देयर एंड एंजॉय मस्तियां।